कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता हो गए हैं बसपा में शामिल। मुनकात अली ने दिलाई उन्हें सदस्यता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ मंडल की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुखता से पूर्व सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व अलीगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी मुनकात अली उपस्थित थे। बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मुनकात अली इन्होंने देश व प्रदेश की जनता, किसानों और दलितों की समस्याओं पर भी अपनी बात रखी। कहा, जनता के इस आक्रोश को वोट में तब्दील करना जरूरी है। इस मंडल स्तरीय सम्मेलन में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजपाल सिंह पुनिया, जो कि लोधी समाज के हैं, वो कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही डॉक्टर सत्यप्रकाश भास्कर राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर बसपा की उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। जैसा कि गौरतलब है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, वही बहुजन समाज पार्टी के मजबूत संगठन एवं बसपा सरकार द्वारा जनता की भलाई के किए गए कार्यों को देखते हुए अब आम जनता के साथ साथ कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।